हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। माध्यमिक और प्राइमरी भर्ती का फंडा क्या है? आज के इस वीडियो में हम माध्यमिक और प्राइमरी भर्ती का फंडा क्या है इसको जानेंगे। स्टेट 2019 के पहले बहाली से सबको फ़ायदा होगा। 94 यानी 94,000 बहाली बाद में होगी तो अन्य 37,000 और अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सही है कि स्टेट 2019 की अगर पहले बहाली होती है तो 94,000 जो बहाली है उसके जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा? इसको हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि अगर स्टेट की बहाली पहले होती है तो क्या 94,000 बहाली को फ़ायदा होएगा, यानी माध्यमिक की बहाली अगर पहले होती है तो क्या प्राइमरी भर्ती को फ़ायदा होएगा, या प्राइमरी की भर्ती पहले होती है तो स्टेट कैंडिडेट को फ़ायदा होगा, यानी दोनों में से किसकी बहाली पहले होनी चाहिए। चलिए हम इसको जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट 2019 में 37,000 पद हैं, ठीक है, और प्राइमरी में 94,000 पद हैं, और दोनों मिला के लगभग 1,25,000, दोनों मिला के लगभग 1,25,000 पद हैं, यानी लगभग 1,25,000 कह सकते हैं पद हैं। तो हम हर को ये जानना चाहता है कि बहाली किसकी पहले हो जिससे सबका भला हो। अगर सबका भला चाहते हैं, तो स्टेट 2019 की बहाली पहले होना चाहिए क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, जिस व्यक्ति ने स्टेट का फॉर्म भरा है उसने प्राइमरी का ही भरा है। स्टेट प्राइमरी, जिसने स्टेट का फॉर्म भरा है उसने प्राइमरी में भी फॉर्म भरा है, यानी इसने यहाँ भी भरा है और इसने यहाँ भी भरा है, और जिसने प्राइम जो मतलब खाली डीएलएड है उसने सिर्फ यहीं फॉर्म भरा है, यानी यहाँ पे जो कंपटीशन है प्राइमरी में जो कंपटीशन है वो तगड़ा है। अगर प्राइमरी की भर्ती पहले होती है तो जो स्टेट के कैंडिडेट है वो इसमें ज्वाइनिंग कर लेंगे, और जो डीएलएड वाले वो भी इसमें ज्वाइनिंग कर लेंगे। लगभग 37,000 बच्चे इसमें सीट है, 37,000 सीट है। अगर हम 37,000 मान ले, अगर 37,000 बच्चे पास नहीं भी हैं, 35,000 भी अगर पास हैं, चलिए 30,000 मान लेते हैं, 30,000 कैंडिडेट भी अगर पास हैं तो 94,000 भर्ती में 30,000 कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे। 30,000 कैंडिडेट ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे, 30,000 ये शामिल हो जाएंगे, यानी लगभग 74,000 बच्चे डीएलएड के होंगे या बीएड के होंगे जिनके कम नंबर होंगे। 74,000 में सारे शामिल होंगे, वो सब शामिल है 74,000 में, वो सब शामिल है जिन्होंने स्टेट का फॉर्म नहीं भरा है या भरा है लेकिन स्टेट में पास नहीं हो पाए हैं। वो सिर्फ 74,000 में ही उनको ये डिपेंड करता है कि उनको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर वो 74,000 में उनको आएगा तो आएगा, लेकिन जो स्टेट में पास है वो अगर उनके नंबर एकेडमी नंबर अगर कम भी है तो कम से कम 30,000 सीट ना भी ले पाए तो कम से कम वो 20,000, चलिए हम आधा ही मान लेते हैं, 15,000 सीट लेके जाएंगे। अगर 15,000 सीट लेके चले भी जाते हैं तो 85,000 सीट जो है प्राइमरी की बचती है, जिसमें सारे कैंडिडेट फाइट करेंगे और जिसके नंबर अच्छे होंगे उसका होएगा, लेकिन जो 15,000 सीट है उस पर स्टेट वालों ने
स्टेट वालों की भर्ती हो गई, और इस तरीके से 94,000 भर्ती जो है, 94,000 जो भर्ती है वो की प्रक्रिया पूरी हो गई। मान लीजिए पूरी हो गई। अब पूरी होने के बाद हम बताते हैं, प्राइमरी की भर्ती पूरी हो गई, अब बची स्टेट की भर्ती। अब स्टेट 2019 की भर्ती बची, ठीक है। अब जो मान लीजिए 15,000 या 20,000 या 30,000 जो भी प्राइमरी में गए थे, वो सारे के सारे 37,000 भर्ती में जब ये शुरू हुआ वापस आ गए, ठीक है। चाहे वो 20,000 भर्ती हुए हों उसमें, या फिर 30,000 भर्ती हुए हों, या 15,000 भर्ती हुए, या 10,000 भर्ती हुए, वो सारे कैंडिडेट जो प्राइमरी जितने भी भर्ती हुए हों, वो सारे के सारे स्टेट में वापस आ जाएंगे। तो वो जो पद है वो कहाँ गया? वो उन्होंने वहाँ रिजाइन मार दिया, रिजाइन मारने के बाद यहाँ स्टेट में ज्वाइनिंग कर ली, यानी उन्होंने प्राइमरी टीचर के पद को रिजाइन कर दिया और ये माध्यमिक टीचर का पद ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ का पद तो खाली रह गया। चाहे वो 30,000 हो या 35,000 हो, 30,000 हो या 35,000 हो या 15,000 हो, उतना पद तो उसमें खाली रह गया ना, और खाली रह गया। अब कहने का मतलब ये है, अगर स्टेट 2019 की बहाली पहले होती है तो 37,000 टोटल जिन्होंने उसमें प्राइमरी में अप्लाई किया है वो पहले ही इसमें शामिल हो जाएंगे, जो स्टेट पास हैं और उन्होंने प्राइमरी में अप्लाई किया है और 37 यहाँ भर्ती पहले होती है तो पहले ही इसमें शामिल हो जाएंगे। तो बची, और उसके बाद अगर प्राइमरी की भर्ती होती है 94,000 की, तो इसमें फाइट कौन करेगा? सिर्फ वो कैंडिडेट जो स्टेट फेल है या और उसमें स्टेट फेल है और प्राइमरी में अप्लाई किया है, और बाकी बच्चे डीएलएड वाले। तो इस तरीके से जो 37,000 बच्चे अन्य बच्चे हैं उनको प्रॉफिट होएगा, यानी जो अगर पहले बहाली होती है 37,000 ही बच्चे जो सीट ले लेंगे उसमें, जितना भी ले, 37 ले, 30 ले, 50 ले, और 37,000 ऊपर जाएगा ना सीट, तो 37,000 सीट हो या फिर 20,000 हो या 15,000 हो, ये आंकड़ा कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है 37,000 बच्चों के नंबर, एकेडमी नंबर अच्छे हो तो पूरे के पूरे 37,000 सीट 94,000 में से कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि 37,000 में से किसी के एकेडमी ग्रेड अच्छा होगा, किसी का बुरा होगा, कम ज़्यादा होता है। तो इसमें 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो जो कहने का मतलब ये, चाहे जितना भी हो वो सीट बेकार नहीं जाएगी। उस सीट पर जिनके कम नंबर हैं उनकी बहाली 94,000 भर्ती में हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि स्टेट 2019 की बहाली होने के बाद ही प्राइमरी की भर्ती हो, इससे सबका भला होगा और कम अंक वाले को भी नौकरी मिलेगी, और एक भी पद ऐसा नहीं रिजाइन मार दे खाली हो जाएगा, एक भी पद खाली नहीं बचेगा। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी जानकारी आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।